So, hey my friends. Welcome. So, in this video, we will be learning English language through her answer sheet. You know, this is the answer sheet of uh, an ICE officer, Tina Dabi. Okay, you know her. You might know her. Okay, so this is the answer sheet. You can easily download from the internet. You just have to search the answer booklet of IAS stoppers or UPSC toppers. You will be getting those kind of links. Okay, below to that uh, search box. So, this is the question here. how are sdgs okay sdgs this is a plural form like they are talking about uh, like more than two sdgs sustainable development goal okay so how are kis tarike se sdgs an improvement improvement yani acha hai over mdgs okay jo mdg se ye kya hai hame answer mein pata lag jayega तो हमारी English क्या है यहाँ पे How are? कैसे है ये सब जो SDG डी जी से ओवर एम डी जी ओके अगर आप कोई ओवर ऑन इट का प्रॉब्लम पता मतलब इसकी मीनिंग्स वगैरह पता नहीं तो हम हमारा वीडियो देख सकते हैं आप ओके ओके सो व्हाट आर द चैलेंजेस किस तरीके uh, okay, की चुनौतियाँ क्या चुनौतिया है प्रीडिक्ट की गई है फोर्थ सीन का मतलब होता है कि कोई चीज का आने वाली है उसके अवेयर हो जाना ओके बिफोर हैंड कोई चीज को प्रिडिक्ट कर लेना उससे फोर्थ सीन कह सकते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस डी जी इंप्लीमेंटेशन चीज को क्या क्या इंप्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है देखिए कि अगर आपके पास कोई गोल है कोई आप मकसद है वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट करना कहेंगे जैसे अगर आपको कहना है कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो उसे आप एग्जिस्ट में ला रहे हो एग्जिस्टेंस में ला रहे हो उसकी वजूद में ला रहे हो तो हम उसे इंप्लीमेंटेशन कहेंगे सो वॉट आर द लेसन लेसन यानी क्या सबक है क्या है वॉट आर द लेसन हमेशा प्लेअर में हो रहा है आर प्लेअर के साथ होता है लेसन ओके okay? न लर्न जो इंडिया सीख सकता है फ्रॉम द प्रोग्रेस ओके प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है प्रगति से मेड ऑन एम डी जी एस ओके जो एम डी जी से प्रोग्रेस है उससे तो इंडिया क्या सीख सकता है दैट कुफॉर्म ओके जो हमें बता सकता है इन हमारे चीजों को बढ़ावा दे सकता है की हमारे प्र, प्रोग्रेस ला सकता है इस तरीके से कहेंगे इट्स परफॉर्मेंस ऑन एच एस डी जी एस ओके सो यहाँ पे क्या लिखा गया आपको मैं एक थोड़ा सा सामग्री बता देता हूँ वट आर द लेसन दैट इंडिया कैन लर्न ऐसे कौन से सबक है जैसे क्या चीजें हैं जो इंडिया सीख सकता है फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड ऑन एम जो प्रोग्रेस की गई है प्रगति की गई पर दैट कुड इन्फॉर्म एंड जो हमें बता सकता है एनहेंस कर सकता है हमारे कैपेबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है इट्स परफॉर्मेंस ऑन एस डी जी एस डी जी जो एस डी के परफॉर्मेंस को बढ़ावा दे सकता है इस तरीके से आप समझ सकते हैं अब यहाँ पे पूरा हिंदी दिया गया पढ़ सकते हैं okay? so, यहाँ पे देखिए एस डी जी का फुलफॉर्म क्या है सट्टे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे बहुत सारे गोल्स की बात की है इसलिए हम यहाँ पे एस का इस्तेमाल कर रहे हैं okay? सो so, देखिए आगे क्या है एस डी जी आर डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंटल देखिए डेवलपमेंट यानी विकास करना ऑब्जेक्टिव आपको पता है किसी कोई चीज का मकसद ओके द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओके सो आर डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज डिसाइडेड ओके जो इंटरनेशनल कमिटी ने है वो has decided, perfect, मतलब क्या होता है कि, कि किसी की सपोर्ट में तो यहाँ पे किसका सपोर्ट हो रहा है ऑफ का यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है जिसके माने सपोर्ट समझ लीजिए वो जो हमें हमें बैक करने वाला है इस एस डी जी गोल में एट दी एट दिसब्रेटिंग

एसडीजीबल डेवलपमेंट गोल्स वेड टू रिप्लेस रिप्लेस यानी इसके बजाय करना टू दिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एम डी जीज का ये फुल्ड okay? से 2015 में चला गया था वेल द एमडीजीडन तो ये जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स ये फोकस करता है ऑन पोवर्टी रिडक्शन पोवर्टी रिडक्शन पोवर्टी को कम करना रिडक्शन रिड्यूस करना कोई चीज को किसी चीज को कम करनाट मोर्टैलिटी देखिए इन्फेंट के, के माने तो नन्हना होता है जो बच्चे होते हैं उससे हम इनफेंट कहेगे और जो मोर्टैलिटी है देखिए कोई चीज़ अगर आ, कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा इसमें मरता है लार्ज अमाउंट में तो हम मोटैलिटी का वहाँ पर इस्तेमाल दे सकते हैं ऐसी ऐसा स्टेट बिंग स्टेट ऑफ बिंग जो डेथ को बताता है स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इस तरीके से बोल सकते हैं मोटैलिटी इन्फर मोटैलिटी वहाँ पर कह सकते हैं हम एक से पाँच साल के जो बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं वो इन्फरमोटा मोर्टैलिटी आएगा और मेटरनल मोटा जो भी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो होकर वुमेन जो मर जाती है मेटरनल मोर्टैलिटी कहे की बहुत लार्ज स्केल पे वो मर रहे हैं इस तरीके से सो एक्सट्रा द एस डी सो वो उस पर फोकस करता था एम okay? जो जी है ये इस पर फोकस कर रहा है रिडक्शन इन्फेंट एंड लेकिन द गो अ स्टेप फर्दर ओके तो ये गो अ स्टेप फर्दर यानी थोड़ा आगे जाता है इस तरीके से कहेंगे हम टू सोल्व ओके टू सॉल्व इसे सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए टू द दीरी प्रॉब्लम कंटेम्प्रेरी क्या होता है देखिए अभी जो भी मसले चल रहे हैं uh, जो भी जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम मतलब क्या कहेंगे हम इश्यूज जो चल रहे हैं तो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ही हो गया ओके जो भी हमारे साथ मसला आ रहा है तो हम उसे कहेंगे जो अभी के वक्त में है इस तरीके से जो भी को आप ले सकते हैं ओके जो हमारे मसले हैरी प्रॉब्लम आप मान सकते हैं सो इन वे दैट डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल ओके सो क्या बोल रहा है मतलब तो थोड़ा आगे जाकर ये करता है, हल करता है तो इस तरीके से सो इन अ वे यानी इस तरीके से दैट डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ओके सो जो विकास हो रहा है वो सस्टेनेबल रहे सबके लिए रहे ओके okay? और सस्टेनेबल का मायने क्या होता है कि कोई चीज को ऐसे लेवल पे मेंटेन करना कि वो बाकी रहे और इक्विटेबल यानी सबके लिए ओके फेयर इम कह सकते हैं अब ओके एंड इंक्लूसिव यानी जैसे अगर मैं कोई चीज लॉन्च करता हूं तो वो हर रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचनी चाहिए हम उसे इंक्लूसिव कह सकते हैं okay? ओके सो so, ये छोटा सा वीडियो था अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और वीडियो के मिलकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया